गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस जैस्मिन अगेन विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। एंड आज के वीडियो में मैं आपको मेरा स्किन केयर रूटीन बताने जा रही हूँ, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, दैट इज़ विंटर। तो आप विंटर के टाइम आपकी स्किन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज टू अवॉइड ऑल द ब्रेकेजेस एंड डेड स्किन एंड ड्राई स्किन एंड ऑल्सो फ्लेक्स फ्रॉम योर स्किन। तो इसीलिए विंटर के टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो मैं अपने कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं अपने स्किन केयर में ऐड करती हूँ जब विंटर शुरू हो जाता है। जैसे कि सिंगापुर में अभी थोड़ा थोड़ा ठंडी स्टार्ट हो चुकी है, तो थोड़ा बहुत ड्राइनेस आ जाता है, मेरे नोज के अराउंड ड्राइनेस आ जाता है एंड देन यहाँ पे आता है, पहले आता था, बट देन मैं जब से ये सारा रूटीन फॉलो करने लगी हूँ ना, तो तब से मेरी स्किन एकदम बेबी स्किन जैसे मॉइस्चराइज रहती है, हमेशा ड्राइनेस नहीं आती है। तो मुझे लगा कि ये आप सबके साथ भी शेयर करना जरूरी है, क्योंकि विंटर के टाइम आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा पैम्परिंग की ज़रूरत होती है। एंड आप इस रूटीन को रोज़ फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप वीक में एक बार या फिर 2 वीक्स में एक बार भी कर सकते हो, क्योंकि विंटर के टाइम आपको ना पानी में हाथ डालना भी बहुत ही मुश्किल लगता है, बिकॉज ठंडी होती है, तो आपको सिर्फ ऐसा लगता है जैसे क्विल्ट के अंदर जाकर बस गर्मा गर्म सो जाए। तो उसकी वजह से ना वीक में एक बार या फिर 2 वीक्स में एक बार भी आप इस रूटीन को फॉलो कर सकते हो, उससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लगती है एंड बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रहती है। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। सो दोस्तों, आज मैं ये प्रोडक्ट्स यूज़ करके अपना स्किन केयर दिखाने वाली हूँ और इनका नाम साथ ही साथ मैं बताती जाऊँगी जैसे मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले विंटर के टाइम ना आप थ्रेडिंग कराना अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपका स्किन ड्राई रहता है एंड थ्रेडिंग से कुछ सेंसिटिव स्किन वालों के स्किन भी फट सकती है एंड ऑल्सो रैशेज आ सकते हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ ये शेविंग वाला मेथड, जो कि बहुत ही अच्छा होता है एंड मैं काफ़ी टाइम से इसको फॉलो कर रही हूँ एंड ये कोई भी हार्म नहीं हुआ है मेरे स्किन पे, ना ही रफ़ बाल आए हैं, नॉर्मल थ्रेडिंग जैसे ही बाल आए हैं। तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो एंड इफ़ यू आर अ न्यू बिगनर प्लीज़ बी केयरफुल। एंड नेक्स्ट मैं थोड़ा सा मेरे फेस को क्लेंस करूँगी, बॉडी शॉप का मैं यहाँ पे टोनर यूज़ कर रही हूँ विटामिन ई वाला एंड इसको कॉटन की पैड से थोड़ा सा क्लेंस कर रही हूँ अपने स्किन को, क्योंकि ये बहुत ही लाइट टोनर होता है, इससे कोई स्किन में इरीटेशन नहीं होती है। एंड नेक्स्ट स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं जॉनसन बेबी लोशन ले रही हूँ, क्योंकि बेबी लोशन बहुत अच्छा होता है विंटर टाइम के लिए, उसमें ज़्यादा केमिकल्स नहीं होते हैं। तो मैं इसको पहले मसाज करूँगी अपने स्किन के अंदर ताकि वो अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए एंड स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो जाए एंड हाथ जल्दी से हाथों से अच्छे से आप खेल पाओ अपने चेहरे पर। एंड उसके साथ ही साथ इसको भी मैं कॉटन से थोड़ी देर के बाद हटा देती हूँ। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पर कोई स्क्रब नहीं यूज़ करूँगी, तो मैं स्मार्ट पीलिंग द फेस शॉप से पील ऑफ जो स्क्रब होता है उसको यूज़ कर रही हूँ। स्क्रब नहीं होता है, काइंड ऑफ डेड स्किन को निकाल देता है, इसमें कॉटन पार्टिकल्स होते हैं तो उससे ना डेड स्किन निकल जाती है। और इसको लिप्स पर और आँखों के आजू बाजू में मत लगाइए, दिस इज़ जस्ट मेंट फॉर योर चीक्स फोरहेड एंड चिन। एंड नेक्स्ट फेस वॉश करने के बाद ये देखिए मेरा चेहरा एकदम ग्लो कर रहा है अभी इसकी वजह से। तो मैं यहाँ पर बैम्बू फाइबर टॉवल यूज़ कर रही हूँ एंड जस्ट पैट कर रही हूँ अपने चेहरे पर, रब मत कीजिए बिकॉज योर स्किन इज़ रियली डेलिकेट। तो इसको अच्छे से पैट ऑफ कीजिए एंड सारा पानी निकल जाएगा इससे। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ कुछ और ट्रीटमेंट करने से पहले मैं आइनिस फ्री का जो अंडर आई क्रीम होता है ना, तो आई क्रीम एंड नाइट क्रीम होता है बट आप डे टाइम भी इसको यूज़ कर सकते हो, मैं जनरली यूज़ करती हूँ। एंड इसको अपने रिंग फिंगर से ही लगाइए, क्योंकि रिंग फिंगर में बहुत कम प्रेशर होता है एंड आपकी आँखें बहुत ही डेलिकेट होती हैं, तो उन पे आपको ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो रिंकल्स आएंगे। सो रिंग फिंगर यूज़ कीजिए क्योंकि इट हैज़ अ वेरी लाइट प्रेशर। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे पर्ल लाइट परसेप्शन का एक मास्क लगा रही हूँ, ये शीट मास्क है क्योंकि मैं कोई भी पेस्ट मास्क नहीं लगाती हूँ विंटर के टाइम, वो आगे आपको बताऊँगी मैं। एंड ये मास्क अच्छे से मैं अपने चेहरे पे लगाकर उसके बाद जो पैकेट में इसका सीरम बचा हुआ होता है ना, तो मैं क्या करती हूँ उसको पैकेट से बाहर निकाल लेती हूँ एंड उसको थोड़ा सा अपने शीट मास्क के ऊपर लगा देती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूसेज हो जाए इस सीरम का। एंड इसको मैं अराउंड 15 मिनट्स तक रखूँगी इस मास्क को, बहुत ही कूलिंग मास्क होता है, पर्ल मास्क कोई भी लगा लीजिए आप, बहुत कूलिंग होता है। एंड बचे हुए सीरम के साथ मैं अपने हाथों का भी मसाज कर लेती हूँ, क्योंकि सीरम इज़ ऑलवेज गुड फॉर योर बॉडी। सो अभी 15 मिनट का टाइम हो चुका है, मैं अपना शीट मास्क उतार रही हूँ एंड उतारने के बाद इस शीट मास्क को फेंकूँगी नहीं मैं, बल्कि इसी से थोड़ा सा मसाज करूँगी, क्योंकि उसमें बहुत सारा सीरम बचा हुआ होता है, जैसे मैं आपको अभी दिखाऊँगी कि इसको अगर मैं स्क्वीज़ करती हूँ ना, बहुत सारा सीरम निकल आता है इसमें से।
क्योंकि सारा सीरम अपनी स्किन के अंदर नहीं जाता है, तो इसको मसाज ज़रूर कीजिए, ये देखिए। एंड इसके बाद भी मैं ऐसे थोड़ा सा अपने नकल से थोड़ा सा मसाज करूँगी अपने स्किन पे, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाए तो ग्लो आता है। एंड फेस वॉश के बाद मेरा चेहरा और भी क्लीन लग रहा है अभी। एंड नेक्स्ट मैं यहाँ जेजो वॉल्केनिक मास्क ले रही हूँ, ये सिर्फ नोज़ के लिए होता है, आपके ब्लैक हेड्स निकालने के लिए। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिप यूज़ नहीं कर रही हूँ कोई भी, क्योंकि स्ट्रिप से और रफनेस आती है, तो इसको जस्ट पील ऑफ करना होता है 10 मिनट्स के बाद, ये सूख जाता है एंड मेरे सारे ब्लैक हेड्स भी निकल चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है कुछ ऑयल जो दिन भर आपके स्किन पे काम करता रहे। तो मैं यहाँ रोज़ हिप ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी फेस ऑयल यूज़ कर सकते हो, कोकोनट ऑयल ऑल्सो इज़ द बेस्ट, बट मेरे पास ये वाला ऑयल है तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ फेस ऑयल। ये रोज़ हिप एंड जेजू ऑयल है इसमें, तो मुझे बहुत पसंद है ये, मैं ऑस्ट्रेलिया से लाई थी, बट आजकल इंडिया में भी काफ़ी सारे ऑयल्स मिलने लग गए हैं। हमेशा याद रखिएगा, विंटर टाइम पे फेस पैक्स मत लगाइए, क्योंकि वो आपकी स्किन को और ज़्यादा ड्राई कर देते, तो फेस पैक एंड स्क्रब यूज़ करना बिल्कुल ही मतलब अवॉइड कर दीजिए। विंटर के टाइम ये आपके स्किन पे सूटेबल नहीं होता है, तो उसकी जगह आप ये पील ऑफ स्क्रब जैसा होता है ना, उसको यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा होता है। इसमें कुछ कॉटन पार्टिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन से डेड स्किन को निकाल देते हैं। सो दोस्तों, ये था मेरा स्किन केयर रूटीन, आई होप आपको पसंद आया हो। आज कोई मेकअप नहीं है मेरे चेहरे पे, इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा मैंने लिप बाम लगाया था, वो भी अभी जा चुका है सारा स्किन केयर रूटीन करते करते। एंड आंखों में भी कुछ नहीं है मेरे, आज काजल बिल्कुल भी नहीं लगाए, एकदम क्लीन आंख है, क्योंकि मैंने ये जो नाइट क्रीम भी लगाया था, आई क्रीम होता है। सो यस, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को बड़ा सा थम्स अप दीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड ऑल्सो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उनको भी ज़रूरत होगी विंटर के टाइम कैसे अपने स्किन का ध्यान रखना है, कुछ अलग टिप्स अगर किससे मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।